नमस्कार, ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है। वो इसलिए क्योंकि वो खिलाड़ी पूरी सीरीज में सबसे बेहतरीन खेलता है और रन बनाता है। ये इनाम है, आपने दोनों टीमों के खिलाड़ियों में अव्वल आए हैं और बढ़िया प्रदर्शन भी किया है। T20 क्रिकेट बहुत छोटा फॉर्मेट है, तीनों फॉर्मेट में ये फॉर्मेट सबसे ज़्यादा चर्चित है और लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। मौजूदा समय में हर दौरे में लगभग 2 से 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाती है ताकि दर्शकों का मनोरंजन हो सके और फटाफट क्रिकेट की वजह से दर्शक भी जुटे। इस फॉर्मेट में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और अब तक अपनी टीम के लिए बड़ी पारियां भी खेली है। पर इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन 3 खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार मैन ऑफ द सीरीज T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जीती है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर भारत के कप्तान विराट कोहली है। जी हां, कप्तान कोहली ने सबसे ज़्यादा 7 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है। अब तक कोहली ने 90 T20 मुकाबले खेले हैं, 3159 रन बनाए हैं, 94 सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर रहा है, 28 अर्धशतक लगाए हैं, साथ ही 7 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं। बाबर आजम ने 51 T20 मुकाबलों में 1940 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 17 अर्धशतक शामिल है। इस दौरान पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज ने 5 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया है। कोहली की तुलना में बाबर आजम ने जल्द ही 5 बार अवार्ड जीत लिया है। कोहली की बराबरी के लिए अगले 39 T20 मैचों में बाबर आजम को 2 और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतना होगा, जो कि संभव है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज और प्रोफेसर कहे जाने वाले मोहम्मद हफीज हैं। मोहम्मद हफीज ने अब तक 4 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।